नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट के एवियन के बारे में। एवियन ऑफ हिप जॉइंट बहुत ही कॉमन तकलीफ होती है और ये हिप रिप्लेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। एवियन में आपके कूल्हे के जोड़ में जो खून का बहाव है वो ख़त्म हो जाता है और इसके कारण जो गोला होता है वो अंदर ही अंदर गल जाता है, जिसके कारण से आपको कूल्हे का दर्द रहता है, आपके चलने में लंगड़ाहट आ जाती है और आपको चलने में दर्द होता है। जैसे जैसे आप वज़न डालने लगते हो कूल्हे पे और चलते हो तो ये दर्द बढ़ जाता है। ये तकलीफ़ एक धीरे धीरे बढ़ने वाली तकलीफ़ होती है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत आ सकती है। आइए हम देखते हैं कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। एवियन की तकलीफ़ आम तौर पे 30 से 50 साल के लोगों के बीच में देखी जाती है। कुछ केसेस में ये 30 से कम और 50 से ज़्यादा वर्ष की उम्र में भी देखा जा सकता है। आम तौर पे ये पुरुषों में महिलाओं के अनुपात में ज़्यादा देखा जाता है। करीबन 7:3 का रेशो पुरुषों और महिलाओं के बीच में देखा गया है। एवियन होने का कारण आमतौर पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कारण चोट लगने के कारण या सर्जरी के कारण, जिसमें जो खून है, खून की सप्लाई होती है, जो खून का बहाव होता है कूल्हे में, वो रुक जाता है चोट लगने के कारण या सर्जरी के कारण। ये पहला सब ग्रुप होता है। इसमें अगर कूल्हे का आपको फ्रैक्चर हो गया है, कूल्हे का डिसलोकेशन हो गया है या फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो गया है या कूल्हे के नीचे की जो नेक होती है, नेक ऑफ फीमर बोलते हैं, उसका फ्रैक्चर हो गया है तो भी देखा जाता है। सबसे आम तौर पे ये देखा जाता है नेक फीमर फ्रैक्चर के साथ, और जितना ऊपर नेक फीमर फ्रैक्चर जितना ऊपर होता है, जिसको हम सब कैपिटल फ्रैक्चर बोलते हैं, उन पेशेंट्स में इसका रिस्क और ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, अगर आपको हिप डिसलोकेशन हुआ है, कूल्हा निकल गया है, बाहर निकल गया है, तो भी अंदर की जो खून की बहाव होता है वो कम हो जाता है और उन केसेस में भी ये देखने को मिल सकता है। अगर आपको गोले के अंदर का फ्रैक्चर, मतलब फिमोरल हेड फ्रैक्चर हुआ है, तो भी ये देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें पोस्टीरियर अप्रोच से आपका हिप खुला गया है, तो भी आपका जो खून का बहाव है वो अंदर कम हो सकता है, जिसके कारण से एवियन हो सकता है। तो एसीटैबुलम फ्रैक्चर हो तो भी एवियन हो सकता है, और एसीटैबुलम फ्रैक्चर की आपकी कोई सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी एवियन हो सकता है। अब आते हैं ज़्यादा आम और ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण की तरफ, जब कोई इंजरी की या ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, कोई सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण हम देखते हैं वो है अल्कोहल इंटेक। इसका मतलब है कि अगर आप शराब किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको एवियन होने का रिस्क होता है। ख़ास तौर पे ये रिस्क उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसा माना गया है कि अगर आप एक हफ्ते में 400 मिलीलीटर से ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो आपके अंदर एवियन का होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमने देखा है कि आम तौर पे जो बहुत लंबे टाइम तक शराब का सेवन करते हैं उनमें ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप पिछले 8, 9 या 10 वर्ष से शराब का सेवन कर रहे हैं तो उन केसेस में एवियन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। ये रिस्क ख़ास तौर पे पुरुषों में ज़्यादा होता है, और अर्ली फेज़ में अगर आपने जल्दी एवियन को डायग्नोस कर लिया है तो अर्ली फेज़ में अगर आपने जल्दी हमने डिज़ीज़ को पकड़ लिया है तो रिवर्सिबल भी होता है। तो इसीलिए हम सब मरीजों को ये रिकमेंड करते हैं कि वो अगर अल्कोहल ले रहे हैं, शराब किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसका सेवन ना करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कॉज हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो है स्टीरॉयड इंटेक। स्टीरॉयड एक वंडर ड्रग है और कई सारी बीमारियों के लिए रामबाण दवा है। छाती की तकलीफ़ के लिए, अस्थमा के लिए, चमड़ी की तकलीफ़ के लिए और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए, गठियावाय के लिए स्टीरॉयड एक बहुत ही उपयोगी दवा है। परंतु स्टीरॉयड के सेवन से भी एवियन की तकलीफ़ हो सकती है।
आमतौर पे अगर आप पल्स स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत हाई डोज में आईवी स्टीरॉयड थेरेपी आपको दी जा रही है, तो एवियन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा डोज में स्टीरॉयड ले रहे हैं तो भी एवियन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। हमने आमतौर पर देखा है कि अगर आप 40 mg से ज़्यादा प्रेडनिसोलोन ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, और अगर आप 20 mg से ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा रिस्क है। और आमतौर पर यह देखा गया है कि हर 10 मिलीग्राम डोज की इंक्रीज के साथ आपका जो एवियन होने का रिस्क है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो हम यूजुअली जो स्टीरॉयड थेरेपी होती है उसको मिनिमल नीडेड डोज के ऊपर सेट करते हैं, और मिनिमम नीडेड ड्यूरेशन के लिए भी सेट करते हैं। तो कम ड्यूरेशन और कम डोज में यूजुअली हम स्टीरॉयड थेरेपी को रिकमेंड करते हैं। अब कई सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं जो स्टीरॉयड थेरेपी पे बोलते हैं कि अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो क्या हमें एवियन की जांच करानी चाहिए? तो आम तौर पे एज ए रूटीन प्रोटोकॉल हम एवियन की स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। अगर आपको एवियन के कोई लक्षण नहीं है, अगर आपको कूल्हे में दर्द नहीं है, चलने में परेशानी नहीं है और चलने में लंगड़ाहट नहीं आ रही है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको चलने में दर्द है, लंगड़ाहट है और कूल्हे में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में एक्सरे और MRI करके इसकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। एवियन की तकलीफ कई केसेस में बाइलेटरल होती है, करीबन 70 से 80% केसेस में ये दोनों तरफ हो सकता है। नॉर्मली जो है वो ज़्यादा कॉमन ये है कि दोनों तरफ होगा, तो 70 से 80% केसेस में ये दोनों कूल्हों को इन्वॉल्व कर सकता है, और करीबन 25 से 30% केसेस में या 50% तक केस में ये और जॉइंट्स को, जैसे कि घुटने का जॉइंट या कंधे का जॉइंट में भी जा सकता है। इन तकलीफ़ों के अलावा कुछ और तकलीफ़ें हैं जो भी एवियन को बढ़ा सकती हैं, ख़ास तौर पे जिन मरीज़ों को रेडियोथेरेपी दी जाती है उनमें इसका ज़्यादा रिस्क होता है, और ख़ास तौर पे जो पेशेंट स्टीरॉयड पे होते हैं और उनको रीनल ट्रांसप्लांट और SLE के लिए ट्रीट किया जाता है, उन पेशेंट्स में भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है, जो करीबन 3% से लेकर 40% तक हो सकता है। साथ ही साथ एवियन का रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, HIV और AIDS के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी भी तरह का लिपिड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो भी रिस्क ज़्यादा रहता है। गाउशर्स डिजीज है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। एक फिनोमिनन आपकी बॉडी में आर्टीरियल थ्रोम्बस है या आर्टीरियल एम्बोलाई है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि हमने बात किया कि अल्कोहल के कारण और स्टीरॉयड के कारण एवियन होता है, तो उसका भी यूजुअली हम कारण यही मानते हैं कि बॉडी में जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है जो आपका वो डिस्टर्ब्ड होता है, और उसके कारण से इन पेशेंट्स में एवियन का रिस्क बढ़ता है। तो जो आपके बॉडी में लिपिड के छोटे छोटे एम्बोलाई बन जाते हैं और वो जाके आपके ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से एवियन हो सकता है। साथ ही साथ हमने ऐसा भी देखा है कि कई हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में जहाँ थ्रोम्बाई का चांसेस ज़्यादा होता है, जहाँ खून के थक्के बनने का चांस ज़्यादा होता है, उनमें भी ये देखा जाता है। ख़ास तौर से कुछ केसेस में केजन डिजीज़ या बैंड्स, मतलब डीकम्प्रेशन सिकनेस जो होती है, उसमें भी ये देखा जा सकता है। और सिकल सेल डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन कारण है एवियन होने का, और सिकल सेल डिजीज़ में आमतौर पर बायलेटरल एवियन हम लोग देखते हैं। AVN यूजुअली एक प्रोग्रेसिव डिसीज होती है, मतलब धीरे धीरे करके इसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ती है, और परंतु ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस पेशेंट में किस स्पीड से बढ़ेगा। बहुत बहुत थोड़े से पेशेंट्स में, खास तौर पे जो पेशेंट्स अर्ली प्रेजेंट करते हैं और जो पेशेंट ने कम ड्यूरेशन में और कम मात्रा में स्टीरॉयड या अल्कोहल लिया है, बहुत ही अर्ली फेज में प्रेजेंट किया है, बहुत ही थोड़े पेशेंट्स में रिग्रेशन भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि आपकी तकलीफ या आपको जो जितने एरिया में आपको एवियन हुआ है वो उसका लीजन कम हो सकता है, छोटा हो सकता है, पर ये बहुत ही कम केसेस में वो रिग्रेशन देखा जाता है। आमतौर पे डिजीज़ का जो नॉर्मल पाथ है वो स्लो प्रोग्रेशन का है, मतलब धीरे धीरे बढ़ने का है। अब बात करते हैं इसकी स्टेजिंग के बारे में। सबसे कॉमन जो स्टेजिंग होती है वो फिकेट एंड अलर्ट स्टेजिंग होती है, जिसके बेसिस पे हम इसको ग्रेड करते हैं और जिसके बेसिस पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली दो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, एक एक्सरे करते हैं और एक MRI करते हैं डायग्नोसिस के लिए।
जो स्टेज वन होती है उसमें जो है आपका एक्सरे नॉर्मल आता है और एमआरआई के अंदर छोटी छोटी सिस्ट या एकदम लाइट चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, और यही वो स्टेज है जहाँ पे कुछ केसेस में रिग्रेशन हो सकता है और कुछ केसेस में हम मेडिकल थेरेपी कंसिडर कर सकते हैं। स्टेज टू जो होती है उसमें एक्सरे चेंजेस दिखने लग जाते हैं। स्टेज टू को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्टेज टू ए और स्टेज टू बी। स्टेज टू ए जो होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट और स्क्लॉटिक लीजन्स बन जाते हैं, और स्टेज टू बी में एक क्रिसेंट साइन मतलब सब कॉन्ट्रल कोलैप्स, आपका जो ऊपर का कॉन्ट्रल बेस होता है उसके नीचे जो है वो कोलैप्स होने लग जाता है, जिसको हम क्रिसेंट साइन बोलते हैं। स्टेज टू बी और टू ए वाले केसेस में हम जो ट्रीटमेंट है वो कोर डिकम्प्रेशन से कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम आपके जो कूले का गोला होता है उसमें छोटे छोटे ड्रिल होल्स कर देते हैं, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है खून का बहाव बढ़ेगा और आपका जो अंदर प्रेशर बढ़ गया है कूले के गोले के अंदर वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ केसेस में ही कोर डिकम्प्रेशन को बोन ग्राफ्टिंग और स्टेम सेल के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। स्टेज थ्री में आपका जो गोला होता है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और स्टेज फोर में गोले के अंदर घिसारा आना जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। स्टेज थ्री और स्टेज फोर में आमतौर पे हिप रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। एक और जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया है जिसको स्टीनबर्ग क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, वो एक फिकेट हैलेट सिस्टम का एक मॉडिफिकेशन है। उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसी स्टेजिंग होती है, स्टेज ज़ीरो जो होता है उसमें एक्सरे एमआरआई नॉर्मल होता है, स्टेज वन में हल्के एमआरआई चेंजेस आते हैं, स्टेज टू में आपको हल्के एक्सरे चेंजेस सिस्ट दिख सकते हैं, स्टेज थ्री में क्रिसेंट साइन दिखेगा जिसको सबकॉन्ड्रल कोलैप्स बोलते हैं, स्टेज फोर में आपका जो गोला है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, स्टेज फाइव में हल्का घिसारा स्टार्ट हो जाएगा और स्टेज सिक्स में सिग्निफिकेंट घिसारा स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया चार पाँच और छः स्टेज में हमको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है वो गोली और ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट का रोल होता है, जिसमें हम पेशेंट को थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं, कुछ दर्द की मेडिसिन दे सकते हैं, दूसरे हाथ में एक स्टिक की दे सकते हैं और एक टैबलेट है जिसको एलेंटोनेट बोलते हैं वो हम कुछ समय के लिए दे सकते हैं। अन्यथा इसके ऊपर की जितनी ग्रेड्स हैं उनमें यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आपको भी एवीएन की तकलीफ़ है और आपको इसके संबंधित कोई भी और प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।